अब ये भी बताना होगा कि मैं कौन हूं। ओह, तुम हो हमारी दिलबर। कितने अफसोस की बात है कि इस दहलीज पर तुम्हें घुटनों के बल आना पड़ा। पांव बिल्कुल सलामत है मेरे, उन्हीं के बल तो चल के आई हूं। वैसे तुम खुश हो जाओ, तुम्हें मुबारकबाद देने और तुम्हारी दाद देने आई हूं मैं। दाद? कैसी दाद और कैसी मुबारकबाद? अपनी बेटी के अरमानों का गला घोटने में क्या क्या खूब कामयाब हुए हो तुम। यानी कि जिस नेक और बेहद अच्छे लड़के के साथ उसका रिश्ता तय होने वाला था, उसके रास्ते में क्या रुकावट डाली है आपने? वाह, मैंने रुकावट डाली? अपने आदमी के जरिए जमाने भर के मैगजीन भिजवाए देवेंद्र के, मेरा मतलब है उस लड़के के बाप को। मेरे बारे में जो जगह जगह झूठ लिखवाया उन जर्नलिस्ट को रिश्वत देकर, उसकी बात तो भूल ही जाओ। जिस मैगजीन में तुम्हारे बारे में सही नक्शा खींचा गया, शराब में डूबे हुए एक आवारा सड़क छाप की तरह जगह जगह बदतमीजियां करने वाले इंसान की, वो भी मैगजीन तुमने उठाकर देवेंद्र के बाप को भिजवा दिया, ताकि उसका बाप ऐसे माँ बाप के औलाद को अपनी बहू बनाने के ख्याल से भी कांप जाए। जंग में सब कुछ जायज है जाने मन। मत सोचो कि छापे खाने से छपे शब्दों के गोले बारूद को इस्तेमाल करके तुम ये जंग जीत पाओगे राकेश। जंग तो अदालत में ही होगी। अपनी जलील हरकतों से तुमने तनुजा के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो तो क्या? मैं देखती हूं कि अदालत कैसे इजाजत देती है कि नाजों में पली फूल सी बच्ची एक शराबखोर अल्कोहलिक मानसिक रोगी जहनी तौर पर बीमार आदमी उसे अपने इस महक में रखे। बदतमीज औरत, कभी चलती हुई इस ज्वाले को भड़काने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी जो तुमने दे दी। अब तो हमारी मुलाकात अदालत में ही होगी। Why don't you try to understand? तनुजा को एक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है ताकि आप उसे मेरी बीवी के तौर पर स्वीकार न करें। तुमने सब कुछ कह लिया या और भी कुछ कहना बाकी है? मुझे और भी कहना है, और मुझे आपसे ये कहना है कि तनुजा बहुत अच्छी लड़की, जिसका बाप आवारा शराबी और माँ बच्चलन है। आप इन प्रेस रिपोर्ट पर यकीन मत कीजिए प्लीज। तनुजा खुद इस बात को मानती है कि उसके डैड जरूरत से ज्यादा शराब पीने लगे, बट मॉम्स एन एंजल, मैं खुद उनसे मिल चुका। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक बदनाम घर से इस घर का नाता जुड़ना नामुमकिन है। फाइनल। नो, आई सी। लेकिन इस मामले में मैं भी कुछ सोच चुका हूं। एंड दैट इज फाइनल टू, दैट्स फाइनल टू। देवेंद्र कहां जा रहे हैं? क्या है तेरे मन? मेरे मन में क्या है मां, तुम्हें उससे क्या वास्ता? क्या वास्ता? मैं मां हूं तेरी, मुझे पता तो सही करना क्या चाहता है? मैं जो करने वाला हूं मां, तुम्हें बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा, बहुत जल्दी। बता नहीं सकता। नहीं बता सकता मां, और फायदा भी क्या होगा? अब तक तुमने क्या किया जो तुम कुछ कर लोगी? तुम तो तनुजा से मिल चुकी हो ना, क्या कमी पाई है तुमने उससे? और उसका क्या कसूर है जब वो इस घर की बहू नहीं बन सकती? लेकिन तू मुझे एक मौका और दे, मैं तेरी डैडी से बात करूं। डैडी से बात करने से क्या होगा? उन्हें सिर्फ अपने घर की झूठी इज्जत की फिक्र है, अपने बेटे की जज्बात की कोई फिक्र नहीं। और उस बेचारी के जज्बात के बारे में तो पूछो मत, वो तो इस घर के लिए बराई। Just don't believe him. David. देवेंद्र आए हैं तुमसे मिलने,
कुछ बात करना चाहता है तुमसे। मुझे किसी से नहीं मिलना और मुझे कोई बात नहीं सुननी। जस्ट लीव मी अलोन। ओके, तो मैं देवेंद्र से कहती हूँ कि वो चला जाए यहाँ से। ओके। तो तुम तनुजा से मिलोगे, लेकिन क्यों? क्यों अंकल? मैं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा उस लड़की से ताल्लुक ही क्या रह गया है जो तुम उससे मिलना चाहते हो? अंकल, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। ओ, तो फिर किसका कसूर है? लड़की ना कुछ खाती है ना पीती है, किसी से बात तक करना मंजूर नहीं है उसे। अंकल, मैं तनुजा से शादी करने की पहले भी ख्वाहिश रखता था और अब भी रखता हूं। मेरे डैडी, तुम्हारे डैडी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि उन्हें लड़की के मां बाप में ऐब नजर आया। तो भाई, हम तुम्हें इस घर का दामाद क्यों कर मंजूर कर रहे, जिसके बाप में ना संयम है, ना भले बुरे की तमीज, ना इंसाफ का मादा। हमारी लड़की वहां सुखी कैसे रहेगी? तुम्हारे पिता ने उसे देखा तक नहीं और अपने घर के काबिल नहीं समझा। तनुजा मुझसे शादी करेगी, उस घर से नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों है? पाजी, पाजी, मैं देवेंद्र को आपके पास लाई हूँ ताकि आप इसे तनुजा से मिलने की परमिशन दे दें। शादी, ब्याह, सगाई, ये सब बाद की बातें हैं। वैसे भी मैं इसे तनुजा से मिलने नहीं देना चाह रही थी जब तक आप परमिशन ना दें। तनुजा जिस मेंटल स्टेट में है, उसके बावजूद मिलवाओगी इन दोनों को? यस पाजी, शायद यही अच्छा रहेगा तनुजा के लिए। पाजी, प्लीज लेट हिम मीट हर। लेज, मैं दोनों की हालत समझती हूँ, लेकिन पाजी, पाजी ने तो परमिशन दे दी है देवेंद्र को कि वो तनुजा से मिले दीदी, बट आई एम नॉट श्योर तनुजा कैसे रिएक्ट करेगी। वैसे भी राकेश और मेरे बीच में तलाक का केस शुरू होने वाला है, शायद तनुजा को अदालत में पेश करना पड़े। जितनी जल्दी वो अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाए अच्छा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपने इनिशियल शॉक से जल्दी रिकवर करे। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं लिज, एक्चुअली इतने तनाव के बाद तो बेचारी के लाइफ में कोई कुछ खुशी आने वाली थी, लेकिन शायद उसकी नसीब में खुशी लिखी नहीं है। एनीवे, तुम जो भी कुछ कर सकती हो उसके लिए करना लिज। ओके, बाय। अरे निरंजन, तुम सरप्राइज्ड? एब्सोल्युटली, आओ आओ बैठो। कैसे आना हुआ? तुम्हारे पाजी को तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं कुछ समझी नहीं। He wanted me to help you and your lawyer with your divorce case. उन्हीं के कहने पर मैं आई हूँ। मैं अभी कुछ नहीं समझी। कल्पना, तुम्हारे पाजी बतौर एक वकील मेरी कद्र करते हैं। वो जानते हैं कि राकेश तुम्हें सिर्फ इसलिए डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि तुमने मुकदमे के फैसले के खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया। That's right. और तुम पर झूठे इल्जाम सिर्फ तनुजा को अपने पास रखने की इंटेंशन से लगाए गए हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। एनीवे, नरगिस मेरे केस की पैरवी करके यही साबित करेगी। जमीन का मुकदमा तो मैंने ही लड़ा था और उसके हर पहलू से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। राकेश को मैं एक्सपोज कर दूंगी कि उसके असल इरादे क्या थे और क्या हैं। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। पाजी, ये वही कागज है ना जिसमें कल्पना दीदी और घर के बाकी लोगों ने अपनी अंडरटेकिंग्स दी थी? हाँ लिज, ये वही कागज। इनके बारे में भी मैं जल्दी फैसला करने वाला हूँ, बस एक बार जरा कल्पना के तलाक का मामला तय हो जाए। ठीक है पाजी। ओरिजिनल मेरे पास है, ये अटेस्टेड कॉपीज। एक काम करो, इन्हें जरा कल्पना और निरंजन को कुरियर कर दो, कोर्ट में इनकी जरूरत पड़ सकती है। जरूर पाजी। अजी, हम किस लिए? राकेश साहब, मुकदमा तो हम आपको जितवाएंगे ही, लेकिन 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 क्या?
कम से कम कार्यवाही वाले दिन आप शराब पीकर के मत आइएगा। अरे वकील साहब, आप हमें बेवकूफ समझते हैं? कार्रवाई से पहले तो हम शराब को छुएंगे तक नहीं। एक बार मुकदमा जीत गया, उसके बाद शराब ही शराब। चलो मैं चलता हूं। ठीक है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत, हंसी, दिल नशी वकील साहिबा यहाँ क्या कर रही हैं? कर नहीं रही हूँ, करने वाली हूँ। अदालत में आपका असली रूप दिखाकर आपकी बीवी की पैरवी करते। ओ, तो हमारी दिलवर भी यही है। अफसोस कि अदालत के बाहर तुम्हारे रूबरू हो गए। वैसे मिलने का वादा तो अदालत के अंदर था ना। एनीवे, वो कल से ही। चलो निरंजन। मुझे तुम्हारे घर वालों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि उन लोगों ने हमें मिलने दिया। लेकिन तनुजा, लेकिन फिलहाल तुम ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या कहूं, क्या करूं, है ना? यूं ही समझ लो। मौसम के बारे में बात करो। The weather is so pretty. और मामा जी के गुस्से के बारे में, या फिर इलेक्शंस के बारे में, और better still, talk about the nuclear warfare. टॉपिक्स की तो कोई कमी ही नहीं है देविंदर। क्यों? मैं मजाक सोच रहा हूँ और यहाँ मेरा दम घुट रहा है। तो फिर कह क्यों नहीं देते जो तुम्हारे दिल में है? Get it out of your system. कह दो। तनुजा, मैं कहता हुआ डरता हूँ। फिर भी मर्द कहलाते हो अपने आप को। मर्दानगी की कोई कमी नहीं है मुझमें। बस इतना सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी बात से तुम्हें ठेस न पहुंचे। ठेस? कैसी ठेस देविंदर? कह दो जो कहना चाहते हो। तनुजा, मैं तुमसे कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? क्या ये कह दो कि तुम अपने माँ बाप के ओबीडियंट बेटे हो और उनके इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते? या ये कह दो कि तुमने उन्हें कह दिया है कि वो तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ ले? या फिर ये कह दो कि तुम बस तनुजा, बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर? मैं तुम्हें ये बात कहकर ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूं वो कभी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता? क्या मतलब तनुजा? मुझे ये बात कभी मंजूर नहीं होगी। तुम्हें जो ठेस पहुंचेगी मेरी बात सुनकर वो तो तुम्हें पहुंचेगी, लेकिन मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुमने मेरी बात को ठुकरा दिया। अब कह भी दो देविंदर जो कहना चाहते हो, प्लीज अब मुझे और मत तड़पाओ। तो सुनो तनुजा, बिना अपने घर वालों की परवाह किए, बिना इस बात की परवाह किए कि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे तनुजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ देविंदर, क्यों नहीं करूंगी, मैं तुम्हीं से शादी करूंगी। लेकिन क्यों तुमने मुझे इतना तड़पाया पहले ना कहकर? ऑफ कोर्स देविंदर, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू नाउ, एनी टाइम, एट दिस वेरी मिनट। आई डोंट नो निरंजन, कच्ची उम्र है, अनप्रडिक्टेबल भी है। वैसे चाहे अपने बाप को लाख बुरा भला कहे, लेकिन क्या पता स्टेटमेंट देते वक्त कहीं उसके पांव डगमगा जाए तो? नेवर्थलेस, तुम उसे अपने पास तो बुला लो, फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि वो कोर्ट में उसे पेश करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, मैं पाजी से बात करती हूँ। आई लव यू टू। रात को मेरा इंतजार कर, मैं तुम्हें लेने आऊँ। और ये तेरी हिमाकत थी सुरजीत कौर, जो तू रंजू को लेकर देवेंद्र की माँ से मिलने चली गई। हर नाम पाजी चाहे इस व्याधि सख्त खिलाफ है,
पर मेरी पापी की तो हाँ है ना जी। भली लोकिए वो हरनाम बहुत ही जिद्दी आदमी है, नहीं माना होगा ना। हेलो, हाँ कल्पना बेटे बोलो। अच्छा तनुजा को बॉम्बे आना होगा तो हर तो एक एक मिनट। रखने का हक ले लेगा अदालत से। अगर तुम दोनों ये चाहते हो तो जाओ, प्लीज गो, जाओ।